गाइज अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, चाहे आप कोडिंग के लेना चाहते हो, चाहे गेमिंग के लेना चाहते हो, या वीडियो एडिटिंग के लेना चाहते हो, या आप एक स्टूडेंट किसी भी काम के लिए एक अच्छी लैपटॉप खरीदना है वो भी 20 से 30 हज़ार के अंदर में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप लेके आया हूँ जिसका बजट 20 से 30 हज़ार के अंदर में है, वो भी आपको काफ़ी अच्छे स्पीक के साथ देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका बजट 20 से 30 हज़ार के अंदर में है और आप चाहते हैं एक अच्छी लैपटॉप लूँ, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है लेनोवो को तरफ से लेनोवो V130। डिस्प्ले है 40 इंच का HD डिस्प्ले है, प्रोसेसर है कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, 4 GB का रैम है, OS विंडोज 10 है। अगर बात करें इसकी प्राइस का तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 21,418 रुपया। 21,500 की रेंज में ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, 4 GB का रैम है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, डिस्प्ले थोड़ा छोटा है बट यहाँ पर आपको HD डिस्प्ले मिल जाता है। खास बात यही है कि यहाँ पर आपको कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर दे रखा है, तो 21,500 की रेंज में ये लैपटॉप आपके लिए काफी बेस्ट लैपटॉप होगा। ये लैपटॉप आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है डेल की तरफ से डेल इंस्पिरॉन 3567। डिस्प्ले है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, कोर i3 का 7 जनरेशन का प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, 4 GB का रैम है, OS विंडोज 10 है। अगर बात की इसकी प्राइस का तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,490 रुपया। तो 26,500 की रेंज में ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको लंबी डिस्प्ले के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा, जहाँ की कोर i3 का 7 जनरेशन का प्रोसेसर दे रखा है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, 4 GB का रैम है, OS विंडोज 10 है। तो ये मेरे ख्याल से 26,500 की रेंज में ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो या कोडिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। ये लैपटॉप आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपको बाय कर रहे हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा। तो 3 पे आता है लेनोवो की तरफ से लेनोवो आइडियापैड S145। डिस्प्ले है 15.6 इंच का HD डिस्प्ले है, कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, 4 GB का रैम है, OS विंडोज 10 है। अगर बात करें इसकी प्राइस का तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,990। तो 17,000 की रेंज में ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। खास बात है कि यहाँ पर आपको लंबी डिस्प्ले मिल जाता है, साथ में आपको कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर दे रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। ये लैपटॉप आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। 2 पे आता है ASUS की तरफ से ASUS Vivo Book 15। डिस्प्ले है 15.6 इंच का HD डिस्प्ले है, कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, 4 GB का रैम है, OS विंडोज 10 है। अगर बात की इसकी प्राइस का तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 30,000 पक्का। तो 30,000 के रेंज में ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 30,000 में जो लैपटॉप था वही सेम स्पेस इसमें भी है, पर अंतर इतना है कि वो लेनोवो का लैपटॉप है और ये ASUS का लैपटॉप है। अगर आपको ASUS का ही ब्रांड खरीदना है तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं, ना तो आपको 3,000 रुपया अगर बचाना है तो आप उस लैपटॉप पर जा सकते हो। दोनों ही लैपटॉप में सेम ही स्पेस दे रखा है, दोनों ही लैपटॉप को अमेजोन पर मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। तो 1 पे आता है एसर की तरफ से एसर एस्पायर 5S। डिस्प्ले है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, 4 GB का रैम है, OS विंडोज 10 है। अगर बात करें इसकी प्राइस का तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 31,000। तो 31,000 के रेंज में ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा, जहाँ कि मैंने बताया आपको चौथा नंबर और तीसरा नंबर में जो लैपटॉप, दोनों ही लैपटॉप में आपको सैमी इसपे देखने के लिए मिला, ये भी लैपटॉप में आपको सैमी मिलता है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको लंबी डिस्प्ले के साथ फुल HD डिस्प्ले दे रखा है और वही स्पेक्स है, कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क 1 TB का है, 4 GB का रैम है, OS विंडोज 10 है। लेकिन इसका बजट 1,000 रुपया ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है, 31,000 रुपया है। तो 31,000 के बजट में ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा। जो मैंने 4 नंबर पे आपको लैपटॉप बताया था डेल का लैपटॉप, दोनों ही लैपटॉप में सेम स्पेक्स है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको एसर वाले में कोर i3 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है और डेल वाले में आपको कोर i3 का 7 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। उसके बाद 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, हार्ड डिस्क 1 TB का, 4 GB का है, OS विंडोज 10, दोनों ही लैपटॉप में सेम स्पेक्स है। जैसे कि मैंने बताया अंतर इतना ही है, कोर i3 का 8 जनरेशन प्रोसेसर और कोर i3 का 7 जनरेशन प्रोसेसर, बट एसर वाला का प्राइस है 31,000 रुपया
और वहाँ पर आपको डेल वाला मिलेगा 26,490 रुपये यानी कि 26,000 के रेंज में। तो आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये लैपटॉप आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। तो ये पाँचों ही लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा, आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बात करें पाँचों ही लैपटॉप का बैटरी बैकअप का, तो सारा ही लैपटॉप में 5 से 6 आवर्स का मैक्सिमम बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। 5 से 6 घंटे आपको पाँचों ही लैपटॉप चल जाएगा। मेरे ख्याल से इस बजट रेंज में पाँचों ही लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेस्ट लैपटॉप होगा, आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे तो डेल का इंफ्रोंस काफ़ी अच्छी लैपटॉप लगा, लेकिन आपको कौन सा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर।